हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी व शिप्रा तीरे पर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स जैसे कि हम हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज यानि क्वेश्चन कवर करते हैं उसी प्रकार से इस बार अगस्त फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन से क्या होगा जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पे मिल सके ठीक है फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है हु लॉन्च फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईट्स इन राइट इंडिया हैंडबुक रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ ईट राइट इंडिया ये हैंडबुक रिलीज की गई है लॉन्च की गई है किसके द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ये किसने लॉन्च की है ये पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्षवर्धन और हर्षवर्धन कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर लॉन्च एफ एस एस ए आईज यानी कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईट राइट इंडिया हैंडबुक ठीक है तो याद रखिएगा ये हैंडबुक ईट राइट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च हुई है हर्षवर्धन जी के द्वारा और ये कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज लॉन्च एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ठीक है कैंपेन एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ मध्य प्रदेश इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अ यूनिक कैंपन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अ कमिटमेंट फॉर एल्डर्स इज बिंग रन बाय द छतरपुर पुलिस इन द मिड्स ऑफ पैनाडेमिक है ना कोरोना वायरस कोविड को लेकर ये एक कैंपिन चालू किया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम तो ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है उसका टाइटल क्या है एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ठीक observa है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन अगस्त ट्वेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेश ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन रिलीज द थर्ड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट एलिफेंट्स नॉट कमोडिटी ठीक है ये इसका कौन सा एडिशन है थर्ड एडिशन है इस रिपोर्ट का और याद रखिएगा रिपोर्ट का नाम क्या है एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज विच हाईलाइटेड दैट ओवर टू हंड्रेड एलिफेंट्स इन इंडिया आर कैप्ड इन सेवरली इन एडिकुएट कंडीशन ठीक है यानी भारत में 200 से भी ज्यादा ऐसे हाथी हैं जिन्हें पूरे अच्छी कंडीशन में नहीं रखा जा रहा है ना इन एडिक्वेट कंडीशन में उनका सर्वाइवर हो रहा है तो इसीलिए लिए ये रिपोर्ट में वो बताया गया है जिसका नाम क्या है एलिफेंट्स नॉट कमोडिटी द रिपोर्ट कम्पराइजेज रिसर्च स्पैनिंग ओवर अ डिकेट इन एलिफेंट टूरिज्म एंड एस एस द एंटरटेनमेंट वेन्यूज एकर थाईलैंड इंडिया लॉस कैम्बोडिया नेपाल श्रीलंका एंड मलेशिया तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ये ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल क्या है एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज़ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया पहली फ़ॉरेन बैंक कौन सी है जिसने भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एच एस बी सी एच एस बी सी इंडिया इसने लॉन्च किया है भारत में यह ऐसी पहली फॉरेन बैंक है जिसने क्या लॉन्च किया ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम एच एस बी सी इंडिया बिकम्स फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर कॉरपोरेट क्लाइंट्स टू फाइनेंस ग्रीन इनिशियेटिवस एंड इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन अमंग अदर्स दैट प्रमोट ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन क्लाइमेट रिसलेंट रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी

नेम द कंपनी विच पार्टनर विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन टू ऑफर अ फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट हाल ही में क्या हुआ है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने एक ऑफर किया फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म किस को लेकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर तो ये किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके ये ऑफर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ आईबीएम ठीक है आईबीएम कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ऑफर किया है फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मिनिस्ट्री हैज साइन एम ओ यू विथ Ministry of Shipping for Development in Port and Maritime Sector. ठीक है यानी कौन सी मंत्रालय ने एम साइन किया है किसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ़ शिपिंग के साथ में किस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट इन पोर्ट एंड मेरेटाइम सेक्टर ठीक है पोर्ट के डेवलपमेंट और जितने भी मैरेटाइम समुद्री रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए किस मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ़ शिपिंग ने एम साइन किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप ठीक है याद रखिएगा किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योर शिप ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आई एम हैज साइंड एम ओ यू विथ स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टलिटिक स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिटिक के साथ में किसने एम ओ किस आई आई एम ने एम ओ यू साइन किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोजी कोड ठीक है आई आई एम ने एम ओ यू साइन किया है किसके साथ में स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिटिक के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मिनिस्ट्री विद सैंड जॉइंट कम्युनिकेशन एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अमंग ट्राइबल वुमेन एस एच जी एस ठीक है यानी कि किस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक जॉइंट कम्युनिकेशन एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ अमंग ट्राइबल वुमेन एस एच क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ठीक है तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करने के लिए एक मिनिस्ट्री ने ट्राइबल अफेयर्स के साथ में एम ओ यू साइन किया है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Rural Development inked a joint communication to promote sustainable livelihood opportunities among tribal women self help groups under National Rural Livelihood Mission under which a series of activities will be carried out by the both मिनिस्ट्रीज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ट्राइबल वुमेन ठीक है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये एम ओ यू साइन किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एम ओ यू विथ रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड एलाना ग्रुप टू एम्पावर वुमेन एंड हेल्प वुमेन एस एच जी इन द स्टेट ठीक है जैसे अभी हमने देखा वुमेन एस एच जी एस यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन जो हैं उनकी मदद करने के लिए कौन से राज्य सरकार ने एमओयू साइन किया है रिलायंस रिलायंस रिटेल, और एलेना ग्रुप के साथ में ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आंध्र प्रदेश एज पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वाई एस आर स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड एलाना ग्रुप टू एम्पावर वुमेन एंड हेल्प वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्टेट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स ठीक है जैसे अभी हमने देखा इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने एम ओ यू साइन किया था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में ठीक है और अब क्या यहाँ पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस रिटेल और एलेना ग्रुप के साथ में आंध्र प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया है इनके प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करने के लिए ठीक है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड एम ओ यू विथ विच कंट्री फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसके साथ एम ओ यू साइन किया है किस कंट्री के साथ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़राइल इज़राइल के साथ ये एम ओ यू साइन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडिया कंपनी एंटर्स एन टू टॉप हंड्रेड ऑन फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट अकॉर्डिंग टू अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट जो जारी होती है उसमें भारत की एक ऐसी कंपनी है जो टॉप हंड्रेड में इंक्लूड हुई है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रिलायंस इंडस्ट्री बिलीनियर मुकेश अम्बानी रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ जम्प्ड टेन प्लेज टू ब्रेक इन टू द वर्ल्ड्स टॉप हंड्रेड कंपनीज ऑन द फॉर्चुन ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट द ऑयल टू टेलीकॉम कॉल कॉन्ग्लोम रेट इज रैंक्ड नाइन्टी सिक्स इन द ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग रिलीज बाय फार्चुन ठीक है नाइन्टी सिक्स रैंक पर आई है रिलायंस इंडस्ट्री दिस इज द हाइएस्ट एन इंडियन कंपनी हैज़ बिन रैंक्ड ऑन द फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट फॉर्चून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट में पहली बार भारत की कंपनी टॉप हंड्रेड में नाइन्टी सिक्स रैंक पे आई है तो कौन सी है रिलायंस इंडस्ट्री ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉज अटेंड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली लोकसभा के स्पीकर कौन है ओम बिरला उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट ये अटेंड की है तो उसका कौन सा एडिशन था ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फिफ्थ इसका ये फिफ्थ एडिशन था किसका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का टू डे फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉज इनाग्रेटेड वर्चुअली इट वॉज ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ये भी ध्यान रखिएगा यह ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा की गई है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेली ऑस्ट्रिया ठीक है इन दोनों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुई है विद द सपोर्ट ऑफ द यू एन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इज़ बिंग हेल्ड इन वर्चुअल मोड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअल मोड में ये कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि क्या कोविड नाइन्टीन के कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंड द इनाग्रल सेरेमनी द थीम ऑफ द फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस इज़ पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टी लेटरिज्म दैट डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लेनेट ये थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स थीम भी कई बार पूछते हैं द सेकेंड पार्ट विल बी हेल्ड इन फिजिकल मोड एट वियना ऑस्ट्रिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इसका सेकेंड पार्ट ऑर्गेनाइज होगा ठीक है तो ये भी याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ग्रेटर देन टेन लाख पॉपुलेशन एज अनाउंस बाय हरदीप सिंह प्यूरी पूरी इन फिफ्थ एनुअल क्लीनेस्ट अर्बन सर्वे ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो अवार्ड्स घोषित हुए हैं उसमें क्लीनेस्ट सिटी भारत की कौन सी है जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन टेन लाख है है ना इस कैटेगरी में कौन सी सिटी टॉप पर आई है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इंदौर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अ टोटल ऑफ वन ट्वेंटी नाइन अवार्ड्स वर गिवन बाय द मिनिस्टर इन विच मध्य प्रदेश इंदौर क्रिएट्स रिकॉर्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम लगातार चार साल स्वच्छ भारत की कैटेगरी में इंदौर फर्स्ट पर रहा है और इस बार सेकेंड पर कौन है गुजरात का सूरत शहर और थर्ड पे है महाराष्ट्र का नवी मुंबई ठीक है ये भी याद रखिएगा सेकंड थर्ड भी कई बार पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव हंड्रेड परसेंट प्रपोज एक्विजिशन ऑफ सी एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड बाय विच कंपनी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर साइमंस ठीक है याद रखिएगा इंडिया ने अप्रूव किया है हंड्रेड परसेंट प्रपोज ऑफ सी एस सी एन एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड ठीक है किस कंपनी के द्वारा साइमंस कंपनी के द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव द प्रपोज टू एक्सपांड एन टू हाउ मैनी बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या अप्रूव करा है एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि एनसीसी को बढ़ाया जाए लेकिन कितनी बॉर्डर्स और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वन सेवनटी थ्री डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स फॉर अ मेजर एक्सपेंशन स्कीम इन वन बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वी आर वन न्यू कैडेट्स विल बी इंडक्टेड एंड वन थर्ड ऑफ दैम विल बी अ गर्ल्स ठीक है वन सेवनटी बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पे लैख न्यू कैडेट्स इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें से वन थर्ड गर्ल्स होंगी अ टोटल ऑफ एटी थ्री यूनिट्स विल बी अपग्रेडेड आर्मी फिफ्टी थ्री नेवी ट्वेंटी और एयरफोर्स टेन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इंटरसेप्टर बोर्ड आई सी जी एस सी फोर फाइव फोर डेवलप्ड बाय विच कंपनी वॉज इंडक्टेड इन टू द सर्विस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एट सूरत गुजरात हाल ही में क्या हुआ है कि सूरत गुजरात पर एक इंडियन कोस्ट बोट है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है जिसने इंटरसेप्टर बोट ने जिसका नाम क्या है आई सी जी एस सी फोर फाइव फोर यह डेवलप्ड किस कंपनी के द्वारा की गई है ये पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी एल एंड टी कंपनी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नासा प्लान्स टू लॉन्च साइके मिशन जर्नी टू अ यूनिक मेटल एस्ट्रोर्ड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर बाय विच ईयर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज़ बिन वर्किंग ऑन अ स्पेस क्राफ्ट दैट विल बी सेंट टू एक्सप्लोर द एस्ट्रोयडीन साइके वन ऑफ द मोस्ट मेसिव एस्ट्रोयड इन द एस्ट्रोयड बेल्ट ठीक है यानी यानि एस्ट्रोयडीन साइके जो है उसकी स्टडी करने के लिए ठीक है उसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है इट इज़ थॉट टू बी ऑलमोस्ट प्योर मेटल इन इट्स कंपोजिशन एज पर द स्पेस एजेंसी वन ऑफ द की टारगेट्स ऑफ द साइके स्पेस क्राफ्ट

टू में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी एट क्र कीबल थिएटर शेफीड इंग्लैंड ठीक है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई थी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप तो ये किसके द्वारा जीता गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रोनी ओ सुलिबैन ठीक है प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर रोनी ओ सुबैन वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फॉर द सिक्स टाइम उन्होंने ये सिक्स टाइम जीता है 2020 वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप को इंक्लूड करने के बाद में तो याद रखिएगा 2020 वर्ल्ड स्नोकर चैम्पियनशिप किसने जीता है रॉनी और सुलीबैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द पर्सन हु हू ऑथर द बुक टाइटल वन अरेंज मर्डर वन अरेंज मर्डर ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई है है ना तो इसके इसके ऑथर कौन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड चेतन भगत अब बुक टाइटल वन अरेंज मर्डर ऑथर बाय चेतन भगत विल बी रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन सितंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी सेप्टेम्बर को ये रिलीज़ होगी बुक पूरे विश्व भर में द फिक्शन बुक पोर्टर अ मर्डर मिस्ट्री इन द बैकड्रॉप ऑफ एन अरेंज मैरिज मर्डर मिस्ट्री के ऊपर ये बुक रहेगी द बुक विल बी पब्लिश बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड इट इज़ द ऑथर्स नाइन्थ नॉवल चेतन भगत की ये कौन सी नाइन्थ नावल है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये इलेवेंथ बुक है एसेंस ऑफ द बुक द बुक नॉट ओनली हैज एन इंटेंस सस्पेंस बट ऑल्सो इज फिल्ड विथ ह्यूमर लव एंड रिलेटेबल इंडियन कैरेक्टर्स है ना मर्डर मिस्ट्री बुक है तो बहुत अच्छी होगी वो भी चेतन भगत सर की तो याद रखिएगा वन अरेंज मर्डर किसकी बुक है चेतन भगत जी की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु ऑथर द बुक नेम ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के ऑथर कौन है इस बुक के तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सुधा मूर्ति ठीक है सुधा मूर्ति जी ने ये बुक लिखी है कौन सी ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच लॉन्च कोरमो जॉब्स इन ऐप इन इंडिया हाल ही में एक कंपनी ने क्या किया है कोरमो जॉब्स ऐप करके ये भारत में लॉन्च की है तो ऐसा करने वाली कौन सी कंपनी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गूगल गूगल हैज़ लॉन्च एन एंड्रॉइड ऐप कॉल्ड कोरमो जॉब्स फॉर जॉब सीकरस इन इंडिया विच एम्स टू प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब्स एंड हैल्प जॉब सीकरस फाइंड एंड अप्लाई फॉर पोजिशंस अक्रॉस इंडिया इट वॉज लॉन्च इन बांग्लादेश टू थाउजेंड एंड सब्सिक्वेंटली इन इंडोनेशिया यानी कि ये एक ऐसी ऐप है जो जॉब्स प्रोवाइड करेगी भारत में ठीक है और ये ऐप बांग्लादेश में 2018 में ही लॉन्च हो चुकी थी और इंडोनेशिया में भी तो याद रखिएगा भारत में ये कौन लॉन्च कर रहा है गूगल जिसका नाम क्या है कोरमो जॉब्स ऐप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द रीशेड्यूल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स ठीक है जैसे कि ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो रीशेड्यूल्ड हुए थे कोविड नाइन्टीन के कारण तो इसमें इंडिया टीम की स्पॉन्सरशिप किसने दी गई है किस कंपनी को दी गई है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एन एक्स ग्रुप ऑप्शन नंबर फोर्थ द इंडियन ओलम एसोसिएशन आयोन ऑफिशियल ऑफ द इंडियन टीम फॉर द रिशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स तो याद रखियेगा टोक्यो ओलंपिक जो की रिशेड्यूल्ड हुए हैं उसमें भारत की टीम की तरफ से स्पॉन्सरशिप किन की रहेगी आयोन एक्स ग्रुप की ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ इंग्ड एंड एमओ यू विथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन पोर्ट एंड मेरेटाइम सेक्टर जैसे कि हमने इससे पहले ये क्वेश्चन देख चुके हैं है ना तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो याद रखिएगा शिपिंग को प्रमोट करने के लिए ये मिनिस्ट्री किसके साथ में एम साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीम द यूनिवर्सिटी विच विल बी कंफर्म द मौलाना अब्बुल कलाम आजाद मक्का ट्रॉफी टू ठीक है यानी किस यूनिवर्सिटी को यह ट्रॉफी मिली है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्लेस्ड अशोक लावासा एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ठीक है अशोक लावासा कौन थे अभी तक इलेक्शन कमिश्नर थे अब इनकी जगह किसने इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट ज्वाइन की है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजीव कुमार राजीव कुमार वॉज ऑन अगस्त ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर फाइनेंसरी कौन थे ये पहले फार्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के इन्होंने अशोक लावासा की जगह रिप्लेस किया है तो अब राजीव कुमार क्या है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा जो कि कौन है रामनाथ कोविंद और अशोक लावासा जो हैं उन्होंने रिजाइन करा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच एस्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रमोट बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम प्रमोट करने वाला कौन सा राज्य सरकार है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओडिशा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशंस स्टेट्स ऑयल कंपनी हैज सस्पेंडेड इट्स यू एस डी टेन बिलियन वर्थ चाइना ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट हाल ही में किस देश ने एक ऑयल कंपनी है उसने ऑयल कंपनी का एम जो था दूसरी कंट्री के साथ में किसके साथ में चाइना के साथ में वो कैंसिल कर दिया है ठीक है सस्पेंडेड कर दिया है तो ऐसा करने वाली कौन सी कंट्री है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबियाज स्टेट ऑयल कंपनी सऊदी अरब को हैज सस्पेंडेड यू एस डी टेन बिलियन वर्ड डील टू बिल्ड अ रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन चाइना ठीक है चाइना के साथ में ये डील थी जिसे उसने सस्पेंड कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक सी में सबसे बिगेस्ट नैचुरल गैस रिजर्व किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है किस कंट्री के द्वारा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड टर्की टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप तैयब एडोगन ठीक है याद रखिएगा तैयब एड्रोगन वहाँ के प्रेसिडेंट है तुर्किश के अनाउंस ऑन अगस्त ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी दैट तुर्की हैज़ डिस्कवर्ड थ्री ट्वेंटी बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस द बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस रिजर्व इन द ब्लैक सी ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज लॉन्गेस्ट रोप वे ओवर ब्रह्मापुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये सबसे लॉन्गेस्ट रोप वे बनाया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड असम ठीक है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है असम में बहती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड दिल्ली। दैली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर गोपाल राय हैज अनाउंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज कैम्प टू अनेबल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इन ऑल द सेवेंटी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ द स्टेट तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है दिल्ली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी फॉर हाउ मच अमाउंट एट अप्शन यूके ऑक्शन यूके में एक ऑक्शन हुआ है जिसमें महात्मा गांधी जी के जो राउंड शेप्ड स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मे हैं वो सोल्ड हुए हैं कितने अमाउंट में तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू करोड़ ठीक है महात्मा गांधी आइकॉनिक राउंड शेप्ड practicals were sold for rupees 2.55 crore at an auction in the uk अगस्त August 21, 2020, the द गोल्ड wire spectacles were left लेफ्ट इन एन in इन द ईस्ट Auction ऑक्शन हाउस इन इंग्लैंड साउथ वेस्ट बाय अ मैन हू क्लेम्ड दैट हिज अंकल हैड बिन गिवन द ग्लास बाय गांधीज ड्यूरिंग द ठीक है 1920s में एक पर्सन को गांधीजी जी ने वो दिए थे उनके ग्लासेस ठीक है ऐसा उसने क्लेम करा है तो वो अब ऑक्शन में सोल्ड हुआ है तो कितने में रुपीज 2.55 करोड़ में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

the statue of unity in

मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड रशिया एंड इंडियन ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट कम्प्राइजिंग टू हंड्रेड पर्सनल विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीलैटरल लेटरल एक्सरसाइज कवकास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इन साउथन रशिया इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज विल सी पार्टिसिपेंट फ्रॉम एस सी ओ मेम्बर नेशनस एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान एस सी ओ के जो मेम्बर्स हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे जिसमें चाइना पाकिस्तान भी इंक्लूड है। है तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा होस्ट की जा रही रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिया ट्वेंटी ट्वेंटी माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिया ट्वेंटी ट्वेंटी में पहला गोल्ड किस कंट्री को मिला है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड ठीक है किस कंट्री का ये पहला गोल्ड है इस बार तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इंडिया इंडिया नीलकंता भानु प्रकाश वॉन द फर्स्ट हैोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एट माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड हेल्ड इन लंडन रिसेंटली विद द फीट द ट्वेंटी ईयर ओल्ड वॉन द वर्ल्ड फास्टेस्ट हुमन कैलकुलेटर टाइटल ठीक है ये जो भानु प्रकाश है इन्होंने कौन सा टाइटल जी

माउंटेनियर अनिता कुंडू हैज़ बिन चूजन फॉर द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन द लैंड एडवेंचर कैटेगरी शी विल भी हॉनर्ड विद द अवार्ड ऑन अगस्त ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्राम बोथ द इंडियन एंड द चाइनीज साइड ये भी याद रखिएगा ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है दोनों तरफ से यानि भारत से भी और चाइना से भी ठीक है तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख डब्ल्यू एच ओज कोवैक्स फैसिलिटी करेंटली इंक्लूड्स हाउ मैनी वैक्सीन्स डब्ल्यू एच ओज में हाल ही में कोवैक्स फैसिलिटी जो है उसमें और कितनी वैक्सीन्स इंक्लूड हुई है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नाइन ठीक है नाइन इसका करेक्ट आंसर होगा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ चीफ टेडरस एट धन अनाउंस रिसेंटली दैट नाइन कोविड वैक्सीन हैव बिन इंक्लूडेड इन इट्स कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी पोर्टफोलियो एंड अ फॉर दर नाइन कैंडिडेट्स आर अंडर इवोल्यूशन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हैज प्लानिंग टू रिलोकेट अराउंड वन मिलियन रोहिंग्यास टू भशन चार आइलैंड ठीक है भसनचार आइलैंड ये जो यहाँ पर रोहिंग्या जो हैं कहाँ किस देश के उनको रीअलोकेट करने का प्लान किया जा रहा है किस कंट्री के द्वारा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बांग्लादेश द मूव इज एंड एट गिविंग द रेफ्यूजी कम्युनिटी फ्रॉम म्यांमार अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अलोंग विथ विच नेशन कंडक्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन अगस्त ट्वेंटी फोर अगस्त ट्वेंटी फोर को इंडिया ने किस कंट्री के साथ में एक मीटिंग कंडक्ट की है जो कि पहली मीटिंग है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उज़्बेकिस्तान ठीक है द कमेटी हैज बिन अप टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द म्यूचुअली एग्रीड प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए का फुल फॉर्म क्या है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये थे अगस्त फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ये पार्ट वन था इसके पार्ट टू में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपने वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जय श्री महाकाल